मैं इस टाइम मौजूद हूँ टंडो आदम में। तो ये क्या तरीके का है, ये सब्जी मशहूर क्यों है टंडो आदम की भाई? किसके पेट पे घोपूं? कॉन्फिडेंशियल है, ये भाई भी घुमा रहे थे मुझे और इन्होंने भी घुमा दिया। माशाल्लाह शक्ल बता रही है कि रान इंतहाई टेंडर और गल गई है। हले बाबा हिकड़ा गालो मुदायो शामणी तचवी के दीदा बाबा छा हले बाबा तुझो नालो छा है तुझो ब्यूजो नालो छा है ही भोलड़ा है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ टंडो आदम में और टंडो आदम आने की वजह पीछे है टंडो आदम की मशहूर सब्जी। सुना ही होगा यकीनन, नहीं सुना तो आज पता चल जाएगा आपको। ये मुझे अभी पता चला है 200 साल पुरानी इन लोगों की एक ख़ानदानी तहजीब चली आ रही है। ये सब्जी बनाते थे आज से 200 साल पहले, मतलब आप ये समझ लें कि 2021 चल रहा है ना, 1921 1821 मतलब 1821 में भी लोग सब्जी खा रहे थे, तसव्वुर करें आप। तो यहाँ हम आए हैं, इसकी मुकम्मल रेसिपी भी पूछेंगे और ये पूछेंगे कि भाई क्या वजह है, ये क्यों इतनी फेमस है। ये भाई मौजूद है, अच्छा हाँ मुमताज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा भैया मुझे ये बताएं, जैसे भाई ने बताया कि 200 साल पुरानी आप लोगों की ये बाप दादाओं से चली आ रही है और आप लोग ये सब्जी बनाते हैं और आप लोगों का ख़ानदानी काम है ये, तो ये क्या तरीके का है, ये सब्जी मशहूर क्यों है टंडो आदम की भाई? ये तरीका ये है, हमें दुआ है अपने मुर्शिद की, मुल्तान वाले की। अच्छा हाँ, बाबा शम्स कबलेल की। ठीक है, और जैसे इंशाल्लाह बरकरार है और बरकरार रहेगी। ठीक है, और दुआ के साथ साथ दवा क्या है, रेसिपी क्या है, क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये मशहूर है? ये दुआ इस वजह के हमारे मुर्शिद ने हमें ये दुआ दे दी है, अगर हमारा छोटा ये बच्चा भी है आधा कच्चा आधा पका खिलाएगा इंशाल्लाह आपको लजत आएगा। अच्छा इंशाल्लाह। नहीं तो क्या डालते हैं मैं इसमें? डालने में क्या है, ये सिर्फ दुआ है, दुआ की चल रही है बस करम। तो मसाला कोई खास मसाला है? मसाला बाद में लगेगा, अभी जो जैसे ये मसाला भी है दुआ के साथ साथ मसाला भी है। ये कच्ची सब्जी है। अच्छा ठीक है, इस पे हमने नमक लगा के इसको छोड़ दिया एक घंटा। ठीक है ठीक है, उसके बाद नमक खाने के बाद हम इसको यहाँ लकड़ी पे लगाएंगे। सही है, मीठी आंच में इसको 4 घंटे में पकानी है। 4 घंटे लगते हैं? चले 4 घंटे लगेंगे मौजूद खवातीनों हजरात, तो मेरा ख्याल है काम शुरू किया जाए। तो लगाएं नमक, 1 घंटा हो गया लगा हुआ। हाँ नमक लगा हुआ है, नमक लगा दिया है। चले इसमें लगा रहे, इसमें और कुछ भी नहीं लगाना? नहीं, अब ये नमक लगा हुआ है। हाँ, और नमक इसने अपना जज लिया है, अब इसको हम लकड़ी में लगाएंगे। ठीक है, आग पे सामने लगाएंगे। सही है। अच्छा ये डालने की भी बड़ी टेक्निक है, आप भी यही होते हैं? सर मैं डील का। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक साहब बोलते हैं, ये दूसरे भाई हैं। हम डील ये किसके है? ये किसके पेट पे घोपूं? सर मेरे लगा दो आप। हैं नहीं करो यार, फिर अस्पताल चलेंगे साथ, पता है अल्लाह खैर करेगा। इधर घूम गई है जी, मतलब 4 घंटे कोई यार कोई फिल्म विल्म लगा देते बादल वगैरह, वो टीवी पे वही देखते हैं। कौन सी देखे हैं अपन? कौन सी फिल्म देखे? नहीं नहीं छोड़ दो आप, मेरा ख्याल है गंदी फिल्म लगा दोगे मुझे लग रहा है। खैर मौजूद खवातीनों हजरात सज्जी लग गई है 4 घंटे के बाद, इन्होंने आपने कहा है कि मसाला इसके बाद लगेगा, बाद में लगेगा। चलो सज्जी तो खैर लगी हुई है, भाई मुझे ये बताएं लोग अगर आपके पास आना चाहें तो क्या है टंडो आदम में, कहाँ पे पहुँचे? सबको पता है क्योंकि 2-3 दुकानें 4 दुकानें वही सारी आपकी हैं? हाँ सारी हमारे एक ही दादा की है। सही है सही है, ये एक साथ मौजूद खवातीनों हजरात 3-4 दुकानें हैं वो सारी इनकी है। तो मैं जब आया तो मैं कंफ्यूज था, मैंने कहा यार असली वाली कौन सी है मशहूर, तो बोल रहे हैं ये सारी मशहूर है भाई। आपने जैसे मुझे बताया था ये 200 साल पहले से आप लोगों के बाप दादा कर रहे थे, और क्या है इसकी? इसकी खासियत ये है कि इसको पकाना है और गलाना है, और इसका मसाला असल जो है अपना घर का बना हुआ था मसाला। अच्छा मसाला घर का है, मसाला ज़रा शेयर करना चाहें? देखें लज्जत आपके हाथ में, नो डाउट अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दी हुई है, लेकिन अगर घर में कोई बनाना चाहे तो क्या मसाला यूज किया जाए? कुछ भी नहीं, हम बता नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत मसाले हैं। अच्छा अच्छा जी, ये कॉन्फिडेंशियल है? खानदानी मसाला है, कॉन्फिडेंशियल है। ये भाई भी घुमा रहे थे मुझे और इन्होंने भी घुमा दिया,
मैं चुरंगी में खड़ा हूँ, गोल चक्कर पे घूम रहा हूँ, मसाला नहीं बताएंगे, लेकिन है बहुत लजीज। अच्छा जी, 4 घंटे गुजर गए फाइनली। अब मेरे भाई एक सवाल आ रहा था जहन में, बैठे बैठे, ये 50 साल पहले कितने की थी? सर ये 2 रुपए 1 रुपए 2 रुपए की थी, जब हमने वो संभाला तो 250 की 300 की बेची है। अच्छा, आज यही रान 3,2800। अच्छा, ये 2,800 रुपए की रान है इस टाइम? और ये इसका वेट क्या है? इसका वेट कम से कम 2.5 किलो। अच्छा, ये हर रान का वेट एक ही होता है? अलग अलग होता है, कोई बकरा 8 किलो का तो। अच्छा, तोल के चलती है? तोल पे चलती है, रान का हिसाब होता है। अच्छा 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 अच्छा, जैसे पिछली रान है, हर रान एक ही पैसे की है? नहीं, ये पिछली रान 2800। वजन वजन की बात है ना, हल्की भारी, पिछली रान जो होती है ना भारी होती है थोड़ी, अगली रान से। सही है, अगली रान 2600 की होती है, पिछली रान 2800 की होती है, कमर होती है 3,000 की होती है, कमर में 2.5 किलो। अच्छा, अगली रान जो होती है वो भारी होती है, पिछली की होती है वो हल्की होती है, वो दस्ती कहलाती है, दस्ती कहलाती, और पीछे वाली रान कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, मतलब जब भी आप मौजूद खवातीन हजरात कुर्बानी का गोश्त लेने जाएं तो कोशिश करें पीछे वाली टांगे पकड़ें, क्योंकि वो ज़रा वजनी होती है। ये भाई ने आज ये भी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और टेस्ट में दस्ती अच्छी होती है रान? दस्ती और कमर, दस्ती ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी होती है, अपने नबी की सुन्नत है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, कमर में भी बहुत अच्छा होता है खाने में। ठीक है, रान का होता है कीमा को, लेकिन मशहूर रान की वजह से। सही है सही है, तो यार निकाली जाए रान, निकालें जो हो गई है रेडी। माशाल्लाह, शक्ल बता रही है कि रान इंतहाई टेंडर और गल गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूं करके तोड़ूंगा रान टूट जाएगी। अब इसमें भाई वो मसाले कौन से लगने हैं वो बताएं यार, मसाला दिखाइएगा, मसाला कौन सा है? ये मसाला है भाई, ये वो कॉन्फिडेंशियल मसाला है जिसका पूरा गेम है, इनका घर का बना हुआ ये मसाला है। इसमें क्या क्या डाला है भाई? काली मिर्ची, अनारदाना है, ठीक है, इलायची, ठीक है, सफेद जीरा, सही है, काला जीरा। अच्छा, और इसको फिर इसको हम अपना पत्थर है, गेंद जो होती है, सही है, अंदर पिसलते हैं। अच्छा, पीसा है? हाँ। देसी तरीके से? ठीक है, उसके बाद ये बना है? उसके बाद ये हम सारे मसाले आपस में मिलाकर, चले मसाला लगा के दिखाएं क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लगा, बाद में मसाला इसमें लगे। तो ये तैयार है? अभी तैयार होगी, अभी 10-15 मिनट और भी हैं। अच्छा, क्या है अब, क्या आग में ही जाएगी? हाँ, अभी आग में जाएगी, जैसे हम इसको खींचेंगे, हाँ, उसके बाद इसको हम पकाएंगे, फिर इसको टुकड़े लगेंगे, टुकड़े लगने के बाद इसको आयल लगेगी। अच्छा, अभी 4 घंटे के बाद भी 15-20 अभी 20-25 मिनट कह रहे हैं, और चले भाई करें, ये क्या बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है आप जब भी आए तो टाइम निकाल के आए। वैसे आप लोगों की तकरीबन बनी हुई होती है सब्जियाँ, ताकि लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े? हम ये सुबह लगाते हैं। अच्छा, ये क्या लगाया आपने? आयल लगाया। अच्छा, आयल लगाया। अच्छा जी, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, और सब्जी सुकड़ गई है और बिल्कुल उस फॉर्म में आ गई है कि इसको ठूस लिया जाए, हैं, बेहतरीन तरीके से। पीस करने या साबुत खाओगे आप? नहीं नहीं, साबुत खाएंगे, इसको ऐसी प्लेट में निकाल दो, सही है ना, इसको पीस नहीं करने। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा भाई, इधर आए, ये बात बताएं, इस एरिया का नाम क्या है? सर इस एरिया का एमएजना रोड। ठीक है, एमएजना रोड, नेशनल बैंक पुरानी। ठीक है, मुमताज़ भाई नाम है, एमएजना रोड है, नेशनल बैंक यहाँ पे नियरेस्ट जगह है। तो खैर, यहाँ पे तो आप किसी 6 महीने के बच्चे से भी पूछेंगे ना सच्ची मशहूर कहाँ है, वो यहीं पे आपको ले आएगा, ऐसा ही है ना, इतनी मशहूर है। खैर, मौजूद खवातीन हज़रात, सज्जी बन गई है, इसे प्लेट में निकाला जाए यार, फाइनली। अब इंतज़ार नहीं हो रहा, सज्जी निकलेगी प्लेट पे, और ये डंडा गर्मा गर्म है, दिल कर रहा है किसी के अंदर, मतलब समझ जाए, किसी दुश्मन के अंदर ना, बकरे की रान के अंदर। दिखाएं ये क्या है, चाट मसाला? ये मसाला है, गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला। फाइनली सज्जी रेडी हो गई है, और सज्जी को तोड़ा, आप ये देखें,
सज्जी भाई हम खा रहे हैं, और आपका जब भी टंडो आजम चक्कर लगे सज्जी मिस नहीं करनी है आपने, सज्जी यहाँ पे आके खानी है मुमताज भाई की, और दुआएं देनी है मुझे क्योंकि मैंने आपको बताई है ये जगह। और क्या बोलूँ, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया हुआ, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।